महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है। चुनाव आयोग से कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं होगी। चुनाव आयोग करे सुनवाई, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस पूरे मामले पर शिवसेना रोक लगवाना चाहती थी, यानी उद्धव ठाकरे रोक लगवाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा यह गया है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकता है। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट लगातार आमने सामने हैं। जहां दशहरा रैली करने को उद्धव ठाकरे को राहत मिली थी, तो वहीं अब इस मामले में शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, ये बड़ी राहत शिंदे गुट के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट चाहता था कि रोक लगे ताकि चुनाव आयोग में इस पूरे मामले पर सुनवाई ना हो, लेकिन अब सुनवाई जारी रहेगी। जी सुमेरा, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर, जो संविधान पीठ थी, उसने लगातार सुबह 10:30 बजे से अब तक सुनवाई की, और इसके बाद जो ग्रीन सिग्नल था वो दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो एकनाथ शिंदे की ओर से जो मांग की गई है कि जो सिंबल है शिवसेना का, वो तय किया जाए कि वो किसका है, उद्धव ठाकरे का है या फिर एकनाथ शिंदे गुट का है। इस पर अब आगे की कार्रवाई वो करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दो जो विषय बचे हुए हैं उन पर आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन इस मामले में आज उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है और एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की ओर से जो आवेदन दाखिल किया गया था इस मामले में, जो शिवसेना के सिंबल को लेकर के था, उस पर ये आदेश जारी किया है और ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में अब आगे की कार्रवाई करे। हाँ। और अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में क्या रुख अपनाता है। लेकिन तलवार अब लटक गई है उद्धव ठाकरे और उनके गुट पर, क्योंकि अब सिंबल को लेकर आगे सुनवाई होगी चुनाव आयोग में। बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी के लिए।